दोस्तों, मैं कांस्टेबल जीत सिंह, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान हूं। मैं आप लोगों के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग सीआरपी वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो नहीं करते? लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, यहाँ तक कि छोटे मोटे ग्राम पंचायत के चुनावों में हम ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा बीआईपी सिक्योरिटी, बीवीआईपी सिक्योरिटी, संसद भवन, एयरपोर्ट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान अपना योगदान ना देते हों। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भारतीय आर्मी और सीआरपी और बाकी भी अर्धसैनिक बलों के बीच में फैसिलिटियों में इतना अंतर है कि आप लोग सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। सबसे बड़ी बात माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर ना जाने कितने ही सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं, जिनके अंदर बैठे टीचरों को आप 50-50, 60-60 हज़ार रुपये महीने की पे दे रहे हो, और उसमें साल में ना जाने कितने दिन हर त्यौहार वो लोग घर में रहते हैं, घर में मनाते हैं, और हम लोग कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड के जंगलों में, कोई जम्मू कश्मीर के वादियों में पड़ा रहता है। ना ही इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियाँ मिलती हैं। हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। क्या हम लोग इसके हकदार नहीं हैं? इतनी ड्यूटियां करने के बावजूद भी। तो दोस्तों, आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज़्यादा हमारी। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं, मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ इतनी भेदभाव क्यों? हमको भी तो मिलनी चाहिए दोस्तों। अगर मेरी इस बात से आप लोग सहमत हो तो इस वीडियो को जितना हो सके आगे बढ़ाओ।